जानकारी आपको प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो यहाँ के प्रभारी वो दे सकते हैं। बाकी ये है, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा साधन जो फीडबैक का है वो साधन है कांग्रेस का कार्यकर्ता, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लगातार पार्टी के नेता संपर्क में है। हर व्यक्ति जो आज प्रदेश चुनाव समिति बनी वो भी इसीलिए बनी है कि जो व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं से मिलता जुलता बैठता है, बात करता है, क्योंकि कांग्रेस की शुरू से परंपरा रही कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर हमें निर्णय करना है और जिता वो टिकाऊ व्यक्ति को टिकट देना है। देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के सामने खड़े होने लायक कोई भी चीज़ नहीं है, ना चेहरा है ना कोई कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी ने आज राजस्थान में सरकार के माध्यम से जो काम कराए हैं वो सरकार की योजनाएं हमारे पास एक चीज़ है, दूसरी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश के अंदर जो कार्यकर्ताओं का रुझान आया वो दूसरी चीज़ है, तीसरा हमारा जो संगठन अभी नए सिरे से बना है वो तीसरी चीज़ है। इन सब चीज़ों को शामिल कर हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और राजस्थान में तिरंगा फहराएंगे। भाई यही लोग तो हैं जो जीत कर आए थे, फिर जीत कर आएंगे। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ गोदी मीडिया के जो लोग उनके माध्यम से फैलाने का प्रयास करती है। राजस्थान में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। टिकट कटेंगे तो सरकार आएगी, लोग ये कह रहे हैं, तो 60-70 सीट काट सकती है पार्टी, आपको लगता है? 120 पहली बात तो ये, किसने कहा कि 60-70-80 टिकट बदलने में सरकार आ जाएगी? ये कोई तय फॉर्मूला नहीं होता कि सरकार कैसे आएगी। सरकार आती है जनमानस के अनुसार, और जनमानस आज कांग्रेस के पक्ष में है। टिकट कटेंगे भाई, अगर पार्टी को ये लगेगा कि कोई व्यक्ति जीता नहीं, मान लिया, मैं तो मेरी कहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगेगा कि धीरज गुर्जर जीत नहीं सकता है तो मेरा टिकट काटेंगे, तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा। और अगर पार्टी को लगेगा कि नहीं भाई, धीरज गुर्जर को चुनाव लड़वाना चाहिए, जीत के आएगा, पार्टी के अंदर एड करेगा। हर व्यक्ति इस मानसिकता के साथ तैयार बैठा हुआ है कि पार्टी अगर हमको मौका देगी तो भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी मौका नहीं देगी तो भी पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी और प्रदेश की जनता सर्वोपरि है।